अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़रवरी 2021 के करंट अफ़ेयर्स के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, साल 2021 के लिए ब्रिक्स का नया चेयरमैन कौन सा मुल्क है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया या चीन? और इसका सही जवाब है इंडिया। साल 2021 के लिए ब्रिक्स का नया चेयरमैन इंडिया है। ब्रिक्स का मतलब होता है बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और 2021 के लिए इंडिया नया चेयरमैन है। अगला सवाल है, बैनुल अक्वामी यौम मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी? और इसका सही जवाब है 21 फरवरी। बैनुल अक्वामी यौम मादरी ज़बान 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कदीम नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, गांधी स्टेडियम या शास्त्री स्टेडियम? और इसका सही जवाब है मोटेरा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कदीम नाम मोटेरा स्टेडियम था, जो कि अहमदाबाद में है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहलाएगा, जो कि उसका कदीम नाम है मोटेरा स्टेडियम। अगला सवाल है, भारत का पहला जेरे समंदर सड़क का टनल किस शहर में कायम होगा? जेरे समंदर सड़क का टनल किस शहर में कायम होगा? मुंबई, चेन्नई, कोची या हैदराबाद? और इसका सही जवाब है मुंबई। भारत का पहला जेरे समंदर सड़क का टनल जो है वो मुंबई में कायम होगा। अगला सवाल है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन कौन है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन कौन है? विजय संपाला, अजय डोवल, राजनाथ सिंह या अरविंद बोबडे? और इसका सही जवाब है विजय संपाला। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन हैं विजय संपाला। अगला सवाल है, अक्वामे मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन एडवाइजरी कमेटी के पहले भारतीय चेयरमैन कौन है? पहले भारतीय चेयरमैन है अक्वामे मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जो कि पहले भारतीय हैं, वो कौन है? विजय संपाला, अजय मल्होत्रा, राजनाथ सिंह या अरविंद बोबडे? और इसका सही जवाब है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा अक्वामे मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन एडवाइजरी कमेटी के पहले भारतीय चेयरमैन हैं। अगला सवाल है, किस शहर का नाम तब्दील करके नर्मदापुरम रखा गया है? औरंगाबाद का, होशंगाबाद का, हैदराबाद का या निज़ामबाद का? और इसका सही जवाब है होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके नर्मदापुरम रखा गया है। आप कमेंट में लिखकर ये बताएं कि होशंगाबाद शहर जो है वो किस रियासत में है। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ कायम हुई? तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कोझिकोड, वायनाड? भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, और सही जवाब है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम में कायम हुई। पेपरलेस बजट पेश करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी है? पेपरलेस बजट पेश करने वाली भारत की पहली रियासत, तेलंगाना, केरला, उत्तर प्रदेश या बिहार? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसी पहली रियासत है जिसने अपना बजट पेपरलेस किया है, यानी बगैर पेपर के उसने बजट पेश किया है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन किस रियासत में खेला जाएगा? तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या कर्नाटका? और इसका सही जवाब है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन कर्नाटक में खेला जाएगा। पहला एडिशन जो खेला गया था वो भुवनेश्वर में खेला गया था। अगला सवाल है, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में ये शहर शामिल है? श्रीनगर, हैदराबाद, नांदेड़ या पटना? दुनिया के बेहतरीन शहरों का इंतखाब किया गया है जिसको ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, जिसमें बहुत सारे जिसमें शजरकारी बहुत ज़्यादा की गई है। तो
तो हस्ब जेल में से कौन सा शहर 3 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है? और इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद 3 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। कसरागोड सोलर पावर प्रोजेक्ट इस रियासत में है? कसरागोड सोलर पावर प्रोजेक्ट किस रियासत में है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार या केरला? और इसका सही जवाब है केरला। कसरागोड सोलर पावर प्रोजेक्ट केरला में है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।